झांसी नगर निगम के अधिकारी रोज सुबह की तरह नगर आयुक्त के गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें उस समय झटका लगा जब नगर आयुक्त अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल से दफ्तर पहुंच गए। जी हां, झांसी के नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने साइकिल से दफ्तर पहुंचने का अभियान शुरू किया है और उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम शुरू किया है। नगर आयुक्त रोज सुबह 10 बजे साइकिल से अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं और जहां पहले उनकी गाड़ी पार्क हुआ करती थी, अब वहां उनकी साइकिल पार्क होती है और इसके बाद लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वो खुद सीढ़ी चढ़कर अपने दफ्तर जाते हैं, जहां लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस पूरे अभियान के पीछे उनका क्या मकसद है, क्या मैसेज है, ये जानने के लिए न्यू 18 लोकल ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा अपने इस मकसद के बारे में, सुनिए। देखिए, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो है निरंतर इस चीज़ की ट्रेनिंग कराई जा रही है कि शहर में किस प्रकार से अपने जो स्ट्रीट्स हैं, अपनी जो रोड्स हैं, उन पे हम कैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं साइकिलिंग में और वॉकिंग में। तो चलने और साइकिलिंग को प्रमोट करना दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप पिछले कुछ दिनों में भी देख रहे होंगे या नए साल पे भी काफ़ी न्यूज़ आएगी, जाम की बहुत समस्या है, ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है। कुछ समय पहले ये भी था कि एयर क्वालिटी जो है शहर की वो ख़राब हो रही है। तो कहीं ना कहीं सभी इन समस्याओं का जो जड़ है वो ये है कि हमारे शहरों में जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है या जो बाइक्स की संख्या बढ़ रही है वो काफ़ी अधिक है। मैं दिल्ली से, मैंने अपनी पढ़ाई की और दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ भी हमने देखा है कि जिस प्रकार से नई सड़कें आती हैं, नए हाईवेज आते हैं, हम नए अंडर पासेस बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जाम की समस्या जो है वो कम नहीं हो पाती है। इसका कारण एक ये है कि आप जितना सड़कें आप बनाओगे, जितना आप चौड़ीकरण करोगे, उतनी ही गाड़ियाँ उसको ऑक्यूपाई करने के लिए फिर से आ जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसकी समस्या से जो है वो हल जो है वो लगातार इसी वजह से ऊपर से भी यही निर्देश आ रहे हैं कि आप साइकिलिंग को प्रमोट करो, आप वॉकिंग को प्रमोट करो। तो झांसी जैसा जो शहर है वो एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत फैला हुआ शहर नहीं है, एक छोटा शहर है। तो एक संदेश देने के लिए कि हमें सबसे पहला अपने स्वास्थ्य के लिए, मुझे भी कभी कभी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से कम 2 से 3 किलोमीटर मिनिमम मेरी साइकिलिंग एक साइड हो जाती है, पर्सनल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, एक ये संदेश देने के लिए हम सभी लोग जो हैं ये एक जाम की समस्या से, पार्किंग की समस्या से, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो मोड्स हैं उनको चेंज करें। अगर हम जो सभी हमारे जो कमर्शियल ओनर, जैसे जिनकी दुकान है, वो अपनी दुकान पर अगर साइकिल से जाएंगे, तो जो गाड़ी पार्किंग की समस्या लोग कहते हैं कि दुकान के सामने गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है हमें, तो वो आएगी ही नहीं। जो वहाँ पर खरीदार जाएंगे, अगर खरीदार साइकिल से जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ उनको भी कभी पार्किंग की समस्या जो हम कहते हैं वो कभी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम इसी को प्रोत्साहन देने के लिए मेरे द्वारा, हमारे अपर नगर आयुक्त द्वारा जो ये ऑफिस से साइकिल से आना की शुरुआत की गई है। तो अगर आप भी अपने शहर को जाम से मुक्त कराना चाहते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करना चाहते हैं तो साइकिलिंग को अपनाइए, चलने को अपनाइए। न्यूज 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।